हाय फैमिली, सुषमा गॉड फैमिली में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं क्या नाम है घी की कोफ्ता बनाऊंगी घी से, और बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊंगी और जो बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने तैयारी कर रखी है। तो मैंने देखिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। इधर मैंने टमाटर की प्यूरी बना रखी है, आप देख सकते हैं इधर को। इधर मैंने घी को घिस लिया है, ये देखिए। और इधर आप देख सकते हैं मैंने बेसन ले रखा है। इधर अदरक लहसुन का पेस्ट है, इधर प्याज है और तेज़पत्ता है, और जीरा तड़के के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फैमिली, मैंने फटाफट इसमें ये घी को मैंने घिस रखा था अच्छे से धो के, और ये देखिए अब इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और इसमें अब हल्दी हम डालेंगे, हल्दी, नमक और क्या नाम है लाल मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च रखेंगे, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए हल्दी डाल दी मैंने, और ये देखिए इससे मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और इसको अब हम नमक डाल देंगे। हम पहले अच्छे से इसको मिक्स करके इस तरह हाथों की सहायता से इसको अच्छे से हम देखिए इसको इस तरह मिक्स करेंगे। इसको इस अच्छे से सारा हमें मिलाना है इसमें। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से चाहें तो इसको आप इसमें जीरा अजवाइन वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा बेसन हमारा कम लग रहा है, तो ये हमारा इस तरह से इसके अंदर होना चाहिए कि इसकी छोटी छोटी हमारी ये गोलियां बन जाए। तो थोड़ा सा भी इसमें हम बेसन और ऐड कर देते हैं। बेसन हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा हमें करके इसको मिक्स करना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसको आप चाहें तो गोल गोल भी इसको इस तरह से बना सकते हैं, और ये नहीं तो इसको इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जैसा भी इसमें वो करना है आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट अब गैस की तरफ चलते हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए हम जल्दी से गैस की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा तेल यहाँ गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम फटाफट छोटी छोटी सी वो डाल देते हैं इसके अंदर में, जो हमने बना रखा था। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं डालेंगे, छोटा छोटा ही डालेंगे। ये देखिए और ये इस तरह से एक बार आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आती है और बहुत ही सॉफ्ट ही बनता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, और ये इस तरह आप एक बार बनाइए और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए हम इसी तरह सारे को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद फिर हम अभी आपसे आपको भी हम दिखाएंगे। ये देखिए मेरी ये हल्की हल्की लाल हो गई थी, इसको इस तरह से सारे को हम पलट देंगे। तो इसको हम ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, इसको धीमी धीमी आँच पर ही इसको हम लाल करेंगे। ज़्यादा तेज़ आँच पर करेंगे तो ये अंदर से हमारी कच्ची रह जाएगी। तो इसको आप गैस का फ्लेम हम बिल्कुल कम कर देंगे। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हमारी देख सकते हैं आप ये इस तरह से। तो इसको चलिए हम अच्छे से लाल होने देते हैं। तो ये हमारा जब तक लाल हो जाता है फिर हम तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं, तड़के के लिए मसाला वसाला सब तैयार कर देते हैं। ये देखो इस तरह से ये सारी हमारी निकली है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए हम अब फटाफट सब्जी की तैयारी कर लेते हैं।
लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर तेल ऐड कर दिया है, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। तो चलिए मैं इसके अंदर बाकी के सब सामान डालती हूँ। ये देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। जीरा डालने के बाद एक तेज पत्ता डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, हल्का फुल्का ही मसाला रहता है इसमें। सिर्फ इसमें इसकी ग्रेवी अच्छी बनानी चाहिए, तो वही मैं उसी से ही टमाटर की प्यूरी से इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। और देखना सब्जी का लुक कितना सुंदर आएगा। ये देखिए जीरा मेरा लाल हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। जब तक हमारी प्याज लाल होगी, प्याज अच्छे से लाल हो जाएगी, तो फिर हम अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको भी इसके ऊपर से डाल देंगे। तो जब तक हमारी प्याज अच्छे से लाल हो जाती है, तो हल्की हल्की इस तरह से, और इसको प्याज को हम छोटे उसमें करना है। और जब हमारी पूरी सब्ज़ी बन जाएगी तो इस पत्ते को हम निकाल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर तो इसके अंदर आ ही जाता है। फिर हम इसको लास्ट में इस पत्ते को हम निकाल देंगे। चलिए जब तक प्याज हमारी लाल होती है, जल्दी से हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें कुछ मसाले लिए हुए हैं। इसमें धनिया है, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च है। लाल मिर्च मैंने बहुत कम ही यूज करी है, आप देख सकते हैं। इसको मैं पानी में थोड़ा सा डाल के भिगो दूंगी। आप सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो देखना सब्ज़ी का टेस्ट कितना अच्छा आता है। मैं कभी इस तरह सूखे करके मसाले नहीं डालती, इसको हमेशा मैं पानी में भिगो के थोड़ी देर रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो चलिए मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज मेरी लाल हो चुकी है, तो हम जल्दी से इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। ये देखिए अब बस हम इसको हल्का सा इसको भून लेंगे, ताकि हमारे अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था उसका कच्चापन निकल जाए बिल्कुल। और अब हम इसके ऊपर से जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको हम इस तरह से ऐड कर देंगे। और इसको सारे को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो चलिए हम इसको मिक्स कर कर करके फिर मैं अभी आपसे मिलती हूँ। ये देखिए टमाटर में हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, तो आप अब देख सकते हैं ये जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे इसको मैंने पानी में डाल के इस तरह से अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको जब तक पकाएंगे इसमें, जब तक तेल ना छोड़ दे, और जब थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाएगा तो इस फिर हम कस्तूरी लाल मिर्च हल्की सी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए जब तक हमारा मसाला पकता है फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है, और इसके अंदर देखिए तेल कितने अच्छे से छोड़ा है। अब इसमें हम हल्की सी ये वाली लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है। ये तीखी नहीं होती है बिल्कुल, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, आप देख सकते हैं ये। तो चलिए हम इसको अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, तो इसमें ज़्यादा हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तो इसको हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए और इसका देखिए सब्ज़ी का लुक कितना सुंदर आया, इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है। तो अब हम इसको बस इतना ही रखेंगे, और इसके अंदर अब हम नमक ऐड कर देंगे। जब ये हमारा अच्छे से खोल जाएगा तब हम उसको, जो हमने घी की पकौड़ी बना रखी थी उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं नमक डाल देती हूँ इसके अंदर स्वाद अनुसार। नमक हिसाब से ही डालना, क्योंकि हमने पकौड़ी के अंदर भी डाल रखी थी। तो चलिए इसमें जब तक उबाल आता है फिर मैं आपको भी दिखा दूंगी। ये देखिए सब्जी मेरी इस तरह से इसकी तरी हो चुकी है। तो चलिए हम इसमें एक एक करके अब इसको हम ऐड कर देते हैं। बस सब्जी
हमारी बनके बिल्कुल तैयार होने वाली है। बस थोड़ी देर, थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए हम सारा डाल के अच्छे से पका लेते हैं इसको। ये देखिए फैमिली, मेरे सब्जी का लुक ये देख सकते हैं आप। ये इस तरह से आया हुआ है, मेरी फाइनल सब्जी बनके तैयार हो चुकी है घीये के कोफ्ते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। ये देखिए, तो चलिए मिलेंगे हम एक अच्छी रेसिपी के साथ में। राधे राधे।